हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोनिका खुराना एकेडमी। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, दैट इज कंजंक्शन। बहुत सिंपल है फिर भी कॉम्प्लिकेटेड है, राइट? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कंप्लेन करते हैं, मैम हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रीपोजिशन भी लगती है, यानी कि सिंस आपका प्रीपोजिशन भी है, सिंस आपका कंजंक्शन भी है, कैसे जाने मैम क्या चीज़ हमारे कंजंक्शन में आ रही है, क्या चीज़ हमारे प्रीपोजिशन में आ रही है। सो इस तरह के कुछ डाउट्स बच्चों को रहते हैं। डोंट वरी, व्हेन वी आर हियर, मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट्स बता पाऊँ। और ये पता ही होगा आप लोगों को कि हम अक्सर वही एरिया ऑफ डाउट उठाते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स बच्चे फील करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट गाइस। कंजंक्शन बेसिकली, अगर मैं डेफिनेशन रीड करूँ तो ये कहना चाहिए कि कोई भी जॉइनिंग वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस और क्लॉजेस को जो भी वर्ड जॉइन करता है, दैट इज नोन एज कंजंक्शन, राइट? अगर मैं इस तरह से देखूं यूसेज ऑफ ग्रामर के बेसिस पे, तो कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग दो तरह की कंजंक्शंस हमको मिलती हैं। बहुत सिंपल है, एंड, बट, फॉर, और, स्टिल, येट, सो, अदरवाइज, नो, नाइदर, इधर, एज वेल एज, एटसेट्रा। इस तरह के जो भी वर्ड्स दो क्लॉजेस को या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, दो डिफरेंट सेंटेंसेस को ज्वाइन करके कंपाउंड सेंटेंस की फॉर्म लेकर आते हैं, दैट इज़ बेसिकली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और बेसिकली इन टाइप में हमको देखा गया है कि हम सेम टाइप ऑफ ग्रामेटिकल यूनिट को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन द सेम टाइप ऑफ ग्रामेटिकल यूनिट्स, मतलब एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बीच में जो जॉइनिंग वर्ड आ रहा होगा वो हमारा कंजंक्शन होगा। जैसे कि बॉयज एंड गर्ल्स, आई नो आप में काफ़ी लोग जो है ये समझेंगे कि येस मैम ये तो एक अलग अलग वर्ड है, ये सेंटेंस नहीं है, बट आप इसको कैसे रिलेट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैनी बॉयज एंड गर्ल्स विटनेस द क्वेयर स्काईलाइट्स। सो मैं लिख सकती थी मैनी बॉयज डिस्कवर्ड, मैनी गर्ल्स डिस्कवर्ड, ओके? सो मैंने many boys discovered एक sentence और दूसरे को, यानी यहाँ पर action हो रहा है same, तो many boys and girls discovered the queer sunlight, so वो हमने इसको यहाँ पर use कर लिया। like we met at the station but he failed to recognize me, so जब हम contrast set करते हैं, एक action हो रहा है लेकिन दूसरा action just उसके opposite manner में हो रहा है, तब हम but use करते हैं, and जबकि दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हों। ये टाइप ऑफ कंजंक्शंस में आप लोग कंफ्यूज नहीं होते, राइट? अब अगर इसकी बात करूँ तो दो, ऑल दो, सिंस, आफ्टर, टिल, अनटिल, एज, बिकॉज, इफ, वेदर, एटसेट्रा, इस तरह के कितने वर्ड्स जो दो क्लॉजेस या सेंटेंसेस को जोड़ेंगे, दैट इज नोन एज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है एक्चुअली मेन क्लॉज से डिफरेंट होता है, लेकिन पूरा सेंटेंस उस सबऑर्डिनेट क्लॉज के बिना पूरा नहीं होता। जिन बच्चों को भी क्लॉजेज में डाउट है, मैंने क्लॉजेज अलग से कंप्लीट कराए हैं, सेंटेंसेज में मैंने समझाए थे, फिर भी एक वीडियो में क्लॉजेस पर लेकर आऊँगी। बेसिकली ग्रुप ऑफ फ्रेजेज और वर्ड्स दैट कन्वेज अ मीनिंग, ठीक है? सो बेसिकली ये किस तरह के सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, उसको प्रिंसिपल क्लॉज से कंपेयर करना वो हमारा रहेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ, ही वाज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट सिट स्ट्रेट। सो यहाँ पर सो और दैट हमारा कॉम्बिनेशन में यूज होता है, सो के बाद दैट ही आएगा, और ये एग्जैक्टली रेफर क्या कर रहा है कि टायर्ड था इसीलिए सीधा नहीं बैठ पा रहा है। तो कुड नॉट सिट स्ट्रेट ये आपका कॉन्सिक्वेंस है, टायर्ड रीजन है, राइट? सो इस तरह के कंजंक्शन को हम कहाँ यूज करते हैं, जिधर भी फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आती है। अब जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ उससे शायद आपको, जो मैंने सबसे पहले वीडियो ओपन होते ही आप लोगों को जो समझाया कि प्रेपोजिशन है या कंजंक्शन है, इसको हम कैसे समझें, मैं कुछ सेंटेंसेस रीड करती हूँ, मैंने नोटिस किए थे यहाँ, नोट डाउन किए थे यहाँ पर, आप देख सकते हो। दिस इज द नोटिस दैट हैड बीन डिस्प्लेड ऑन मंडे, दिस इज द नोटिस दैट हैड बीन डिस्प्लेड ऑन मंडे। सो दैट यहाँ पर नोटिस के लिए लगाया गया है, ना कि दो डिफरेंट सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है, तो दैट यहाँ पर मोर और लेस डिटरमाइन कर रहा है
नोटिस की पोजीशन को, या फिर आप यहाँ ये कह सकते हो कि ये क्लैरिफाई कर रहा है उसको, तो उसके नोटिस को दोबारा हम यूज़ ना करें इसलिए हमने उसको यहाँ यूज़ कर लिया दैट को, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। वहीं सेकेंड सेंटेंस देखो, इट इज़ ग्रेट टू लिव इन अ प्लेस वेयर एवरीवन नोज यू। सो इट इज़ ग्रेट टू लिव इन अ प्लेस वेयर एवरीवन नोज यू, यहाँ पर आपको क्लॉज इशू हो रहा है कि अच्छा लगता है वहाँ रहना जहाँ आपको सबको ही जानते हों। अब अगर मैं यूज़ करूँ इट इज़ ग्रेट टू लिव इन अ प्लेस एवरीवन नोज यू, ये डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेजेज हैं, कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करेंगे अगर हम इसमें क्लैरिफाई नहीं करेंगे कि प्लेस की कौन सी बात हो रही है। तो ये हमारा रिलेटिव एडवर्ब हो सकता है, डब्ल्यू एच की फैमिली आप जानते हो, ये भी टॉपिक हम अलग से कवर करेंगे। सुजैन हिड अंडर द बेंच, सुजैन जो है वो बेंच के नीचे छुपी हुई है। द बेंच अलग से कोई सेंटेंस नहीं है, सुजैन हिड ये समझ आ रहा है हमको, छिप गई, राइट। अब उसकी पोजीशन को जो सिग्निफाई कर रहा है वो वर्ड है अंडर, तो ये प्रपोजिशन है। सिमिलरली अगर मैं लिखती हूँ कम हेयर एंड सिट डाउन, कम हेयर एक अलग सेंटेंस हम कन्वे कर सकते हैं, चाहे वो फ्रेजेस ही हैं उसमें सब्जेक्ट मिसिंग है, वो हमने पढ़े थे इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। सिट डाउन एक अलग मीनिंग कन्वे करता है, लेकिन जब इन दो चीज़ों को हम ज्वाइन कर रहे हैं एंड के साथ, दैट इज मेकिंग अ कम्प्लीट सेंस ऑफ सेंटेंस एंड मेकिंग इट अ कंपाउंड सेंटेंस। सो यहाँ पर आप एंड देख रहे हो कि कैसे उसने एक सेंटेंस बनाया। सिमिलरली आप ये एग्जाम्पल देखो, दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2011, दे हैव बीन लिविंग हियर, आपको पता है कि ये कॉमन फ्रेज चल रहा है सिंस 2011, यहाँ पर सिंस हमारा कंजंक्शन में मैंने लिखा हुआ है, राइट right? लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा उसके बाद क्या आ रहा है 2011, तो ये तो प्रपोजिशन है सिंस, यहाँ पर ये कंजंक्शन नहीं है, क्योंकि ये सिंस मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है, मुझे टाइम इंडिकेट कर रहा है, कंप्लीट सेंटेंस यही है कि हम वहाँ पर कब से रह रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं ये सेंटेंस यूज़ करती हूँ, दे शैल लिव हियर सिंस दिस प्लेस इज अवेलेबल, उनको यहाँ रहना चाहिए क्योंकि ये प्लेस अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पर कोई रह सकता है, तो ये जो सिंस है ये कंजंक्शन का रोल प्ले करेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो दे शैल लिव हियर एक अलग सेंटेंस है, दिस प्लेस इज अवेलेबल एक अलग सेंटेंस है, सिंस एक जगह पर प्रपोजिशन का काम कर रहा है और एक जगह पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। विथ प्रैक्टिस यू विल इम्प्रूव, आप जितना ऑब्जर्व करोगे स्टेटमेंट को आपको समझ आएगा। हाँ ये सच है कि डेली रेगुलर इंग्लिश में जो हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग लिखते हैं, हम स्पेसिफिकली ये सोच के नहीं लिखते कि ये कंजंक्शन है, ये प्रपोजिशन है, ये डिटर्मिनर है, क्या है, बट अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे, इनफैक्ट आप सैट जैसा, एसएटी जैसा बिगेस्ट एग्जाम भी देखते हो, तो उसमें भी यही चीज़ें ज़्यादा आइडेंटिफाई की जाती हैं कि आपको इन चीज़ों में डिफरेंस कितना है। वहाँ तो ये सब भी, अगर आप टोएफल एंड ऑल ये एग्जाम भी देखते हो, तो एडवर्ब है तो कौन से मैनर की है, कौन सी नहीं, हम सब कवर करेंगे, एडजेक्टिव भी, एडवर्ब भी, डिटर्मिनर्स भी, लेकिन यहाँ पर क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं, द चीफ गेस्ट अराइव्ड आफ्टर द स्केड्यूल टाइम, ठीक है, जो भी स्केड्यूल टाइम था उसके बाद आए हैं। The singer arrived after the audience had gone. अब एक सेकेंड का टाइम दे रही हूँ, जरा सोच के देखो कौन सा कंजंक्शन है, कौन सा प्रपोजिशन है, या दोनों प्रपोजिशन है या दोनों कंजंक्शन है। The chief guest arrived after the scheduled time. The singer arrived after the audience had gone. The scheduled time. After the schedule time, the schedule time अपने आप में कुछ भी फ्रेज नहीं है, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, आफ्टर के साथ लगा हुआ, schedule time के बाद आया, ज़्यादा से ज़्यादा एक एक्शन की पोजिशन डिफाइन की जा रही है। लेकिन वहीं अगर मैं सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस देखूँ, सिंगर अराइव्ड एक टाइप ऑफ फ्रेज या क्लॉज है जो सेंस कन्वे कर रहा है आया तो कब आया, द ऑडियंस हैड गॉन, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, इन दोनों को कनेक्ट करके मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया, द सिंगर अराइव्ड आफ्टर द ऑडियंस हैड गॉन। सो अगर अभी भी आप में से काफ़ी बच्चों को ये क्लियर ना हो कि प्रपोजिशन नहीं समझ आया, कंजंक्शन नहीं समझ आया, अगर आप सेंटेंस में से ये पर्टिकुलर वर्ड्स को रिमूव करके देखो, अगर उस वर्ड को रिमूव करने के बाद जो दो अलग अलग फ्रेजेस बनते हैं या जो दो अलग अलग क्लॉजेस बनते हैं,
अगर वो एक कंप्लीट सेंस की इंडिकेशन, सेंटेंस की सेंस देते हैं आपको, तो आप कह सकते हो कि वो जो बीच में वर्ड यूज हुआ है वो कंजंक्शन है। अगर वो वर्ड हटाते ही सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं रहा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2001, तो सेंस हटा दूं दे हैव बीन लिविंग हियर 2001, क्या कोई सेंस नहीं है इसका, राइट? वहीं अगर मैं कहूं दे शैल लिव हियर, दिस प्लेस इज अवेलेबल, तो सिंस हटा भी दूंगी तो दोनों सेंटेंस का मीनिंग निकलता है। इस चीज से आपको पता चलता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सिंस प्रपोजिशन भी बन रहा है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सिंस कंजंक्शन भी बन रहा है। सो इस तरह के सेंटेंसेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और देखो कि आप आज सिंपल कंजंक्शंस पे ही ध्यान देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने सिंपल और कंपाउंड कंजंक्शंस लेकर आऊँगी। जनरली ये जो आपने पढ़ी है सिंपल कंजंक्शंस हैं जो वन वर्ड होती हैं। इसके बाद आप स्पेशल टाइप ऑफ कंजंक्शंस पढ़ते हो, जैसे कि आपकी राइटिंग में मैं देख पाती हूँ कि ज़्यादातर आप एंड बट इसके अलावा और कोई कंजंक्शन यूज़ ही नहीं करते, लेकिन देयर आर सो मेनी कंजंक्शंस विच यू कैन यूज एंड मेक योर राइटिंग इफेक्टिव। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच सेकेंड वीडियो ऑन कंजंक्शन। टिल देन प्रैक्टिस दिस, ऑब्जर्व दिस, लर्न दिस एंड अटेम्प्ट दैट टेस्ट विच इज गिवन टू यू अलॉन्ग विद दिस वीडियो। स्कोर करो, चेक करो, कमेंट करो अपने मार्क्स, और फिर आप सेकेंड वीडियो में कॉम्प्लेक्स या जो कंपाउंड कंजंक्शंस होती हैं उनको आप नोटिस करो। Okay guys, thank you so much for watching. Bye bye, take care.